हेलो फ्रेंड्स हमने कल वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था वो हमारी क्लास का पार्ट फर्स्ट है और ये आज जो है ये पार्ट टू है कल हमने वर्ण की परिभाषा ध्वनि के बारे में समझा वर्ण के बारे में समझा और स्वर और व्यंजन इसके बारे में हमने परिभाषाओं के आधार पर समझा आज हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण को पाँच भेदों में बांटा गया है स्वरों का वर्गीकरण पांच प्रकार से किया गया है उच्चारण की अवधि के आधार पर कि हमारे मुख से जब हमारे मुख से स्वर निकलते हैं इस मुख विवर से जब स्वर निकलते हैं तो किसी वर्ण में किसी स्वर में निकलने में बहुत समय लगता है और कोई मुख से बहुत आसानी से सरलता से निका निकल जाते हैं और औष्ठाकृति के आधार पर हमारे मुख की आकृति कैसी होती है ठीक है जब कोई स्वर निकलता है तो कोई एकदम गोल बनता है व्रत के समान और एक, कोई व्रत के समान नहीं निकलता तो औष्टकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पड़ेंगे जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जीवा मुख में जो हमारे जो जीव है जीव की क्रियाशीलता वो कब कई बार आगे की ओर कई बार कुछ स्वर पीछे की ओर और, और कई मध्य में मुख से निकलते हैं क्या क्रिया की जाती क्रिया कि होती है जीव से तो वही जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और मुखाकृति के आधार पर मुख की आकृति के, के आधार पर पूरा खुलना आधा खुलना कुछ ढका हुआ होना इस प्रकार मुख की आकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और नासिका के आधार पर कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिन जो केवल मुख से बोले जाते हैं और कुछ स्वर नासिका और मुख दोनों के मिलने से स्वर निकलते हैं तो नासिका के आधार पर तो पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर दो प्रकार हैं लघु स्वर दीर्घ स्वर कहीं कहीं पे आपको बुक्स में प्लस स्वर भी पढ़ने को मिलेगा लेकिन प्लस स्वर हिंदी के स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया है आप राघव प्रकाशन की बुक में देखिएगा साफ लिखा हुआ है उसमें कि दीर्घ जो प्लस स्वर प्लुस्वर है स्वर हिंदी के स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया है इसीलिए उच्चारण के अवधि के आधार पर दो ही स्वर है लघु स्वर और दीर्घ स्वर लघु स्वर का दूसरा नाम मूल सर, स्वर ऋषु स्वर ठीक है और औष्टाकृति के आधार पर औष्टाकृति के आधार पर दो प्रकार के वृत्ताकार और अवृत्ताकार जो मुख से व्रत के समान आकृति बनाते वो व्रताकार और जो मुख के मुख में व्रत की आकृति नहीं बनाते ओष्ठों की मतलब हमारे होटों की जो आकृति है वो व्रत के समान नहीं बनती वो अव्रताकार स्वर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र मध्य पश्चम कोई स्वर होते हैं जो जीव के आगे के हिस्से से निकलते हैं कुछ मध्य से और कुछ पश्चिम पीछे के हिस्से से मुखाकृति के आधार पर चार स्वर होते हैं सव्रत अर्धस व्रत विव्रत और अर्धविव्रत नासिका के आधार पर दो प्रकार के निर्णुनासिक और अनुनासिक अब हम इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे पहला प्रकार उच्चारण अवधि के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं ध्यान से समझिएगा उच्चारण जब मुख से हमारे मुख से जब स्वर निकलते हैं तो कई बार कुछ वर्ण बहुत सरलता से बोल दिए जाते हैं और कुछ में थोड़ा और मात्रा का महत्व तो बढ़ता है मतलब और द, द, दम लगा के स्वर को बोलना पड़ता है तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं ठीक है उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं लघु स्वर जिसको मूल स्वर भी कहते हैं मूल मतलब मुख्य स्वर ऋषि स्वर भी कहते हैं ठीक है दूसरा दीर्घ स्वर इसकी एक बार परिभाषा देख लीजिए लघु स्वर की उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का कहने का मतलब है कहने का आश्चर्य है कि बहुत सरलता से मुख से निकल निकल जाते हैं ये चार स्वर होते हैं अ ई उ री अधिकतर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में देखा गया है कि डेफिनेशन बहुत ही कम आती हैं डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाता है कि लघु स्वर या दीर्घ स्वर कौन से होते हैं जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आता है तो स्वर जैसे अल्प प्राण महाप्राण इन सब में मिक्स करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट हमें वर्ण याद रखना बहुत आवश्यक है तो लघु स्वर में कौन कौन से होते हैं अ ई ह्री। कितने चार फिर दीर्घ स्वर उच्चारण में दुगुना दुगना समय लगता है मतलब डबल दो मात्रा का समय लगता है अर्थात दो मात्रा का समय लगता है जैसे आ ई ऊ ए, ए ओ आओ। आपको खुद को बोलने में लगता होगा कि अ ई उ री हम कितने आसानी से सरलता से बोल रहे हैं लेकिन आ ई ऊ ए, ए ओ आओ। थोड़ा समय लग रहा है हमें बोलने में यह अवधि है ये समय है जो उच्चारण के वक्त हमें लग रहा है इसीलिए इसको उच्चारण की अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया गया स्वरों का अब आ ई इनको स्व जातीय स्वर कहा जाता है समान जाति के देखो आ आ में अ धन अ मिलकर के आ बनता है समान जाति का ई भी ई धन ई छोटी ई और बड़ी छोटी ई और छोटी ई मिलाकर के बड़ी ई बनेगी तो ऊ भी ऐसे ही तो ये क्या हुआ समान स जातीय स्वर लेकिन वी जातीय स्वर ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं जैसे ए अ हो या आ हो धन ई हो या ई से मिलकर क्या बनेगा ए अलग अलग है ये दोनों स्वर और ये दोनों स्वर जब दोनों स्वर मिलकर के बनते हैं तो ए बन जाता है ठीक है और ऐसे ही ये भी बड़ा ए कब बनेगा जब अ हो या आ हो किसी शब्द के अंतिम वर्ण में या ए हो या हो हो तो क्या बनेगा बड़ा अब ओ में भी यही हुआ आ हो या आ हो उसमें उ छोटा हो या बड़ा हो तो क्या बनेगा ओ इसमें भी इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है जैसे इसमें देखो औ में अ हो या आ हो किसी शब्द के अंत में वर्ण में ओ और अ दोनों मिलकर के क्या बनेगा जातीय स्वर कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वी जातीय जो दो असमान स्वरों से मिलकर जिनका योग होता है वी जातीय स्वर तो वी जातीय स्वर कितने होते हैं चार ए, ए ओ और इन चारों को संधि स्वर या संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे नोट करिएगा कि इन्हें संधि स्वर या संध्या स्वर भी कहते हैं भी कहते हैं कौन से चार ए ओ गुण संधि और वृद्धि संधि इन्हीं चारों से मिलकर हम, हम पढ़ते हैं जो हम संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे ठीक है ओष्ठाकृति के आधार पर अब ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वर दो प्रकार के होते हैं वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर वृत्ताकार स्वर में व्रताकार स्वर उच्चारण में होटो की आकृति व्रत के समान होती है जो हमारे होठ है उसकी आकृति व्रत के समान होती है वृत्ताकार में ये चार प्रकार चार होते हैं ऊ उ, 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 ओ, ओ। चार कौन से आप खुद बोल के देखिएगा जब पढ़ते हैं आप जब खुद आप सेल्फ स्टडी करोगे तब आप खुद बोल के देखना ऊ ऊ ओ, ओ। तो बनने की जो आकृति होती है वो मुख हमारा जो बनता है होठ जो हमारे बनते हैं वो पूरे गोल हो जाते हैं और अवृत्ताकार स्वर में उच्चारण में होठों की आकृति व्रत के समान नहीं बनती है ये सात होते हैं आप देखिए बोलिए खुद अ आ ई ई री ए ऐ ठीक है ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं व्रताकार और अवृत्ताकार वृत्ताकार स्वर चार ऊ उ, उ, ओ ओ और अव्रताकार स्वर अ आ इ, इ, री ए ठीक है मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी डेफिनेशंस याद रखना समझने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन आपको ये वर्ण याद होना बहुत जरूरी है आप वर्ण को कम से कम तीन चार बार डेली रिवीजन में लाइएगा आपको खुद बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे अब जीवा के आधार पर जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने, कितने प्रकार का होगा तीन प्रकार का जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर है तीन अग्रस्वर मध्य स्वर और पश्चिम स्वर अग्रस्वर अग्रस्वर मतलब जीवा का आगे का भाग क्रियाशील रहता है जैसे अभी मैं बात कर रही हूं तो कुछ स्वर जो शब्द निकल रहे हैं मेरी जीप के आगे की ओर भी दबाव डाल रहे हैं मध्य में भी डाल रहे हैं और पीछे में इस तरीके से जीवा से निकलने वाले कई स्वर कुछ आगे के होते हैं कुछ मध्य के होते हैं और कुछ पीछे के होते हैं तो अग्र स्वर पाँच होते हैं ई री ए, ए, आ, ए बड़ी ई री ऋषि ए आ, बुक्स में आपने री ऋषि नहीं देखा होगा लेकिन री ऋषि भी अग्र स्वर के अंतर्गत रखा गया है तो इसे आप याद रखिएगा अ और स्वर उच्चारण उ, 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 उ. में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है बीच का और पश्चिम में पीछे का भाग क्रियाशील रहता है मतलब क्रिया करना गति करता है बोलते वक्त हमारे मुख से जीव कोई स्वर ऐसे होते हैं जैसे ई ई ए, री ई ए, री ए, 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 ए ये आगे के तर, तरफ दबाव डाल रहे हैं मध्य में और आ ऊ ऊ ओ पीछे की तरफ तो अग्रसर मध्य स्वर पश्च्यर सर, बहुत सरल है याद करने का तरीका मध्य आपको याद ही रहेगा अ और पश्च में जिसमें भी इस प्रकार की गोल आकृति है वो पीछे की तरफ रहेंगे बाकी जो बचे हुए हैं पांच वो अग्र स्वर में आ जाएंगे आप पश्च्य याद रखें मध्य आपको स्वतः याद हो जाएगा अ पश्च्य याद रखें पांच कौन कौन से जिनमें ऐसे गोल आकृतियों इस तरीके की थ्री की आकृति तो ये सब में है आ ऊ उ, ऊ उ, उ, ओ आ, और बाकी बच्चे अग्र स्वर में ठीक है फिर नेक्स्ट है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से है संवृत अर्ध संव्रत विव्रत अर्धविव्रत संत में पांच आते हैं ई उ, 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 री अर्ध संव्रत में दो ए, ओ और एव्रत स्वर में एक आ आप बोलो आ पूरा मुंह खुलता है ना तो वीव्रत का ये ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा जहाँ मुंह मुँख, खुले वो वीव्रत है आ पूरा मुंह खुले और संवृत में सबसे कम मुंह खुलता है ई री सबसे कम मुंह खुले वो अर्ध सनव्रत। और सबसे ज्यादा मुंह खुले वो वीव्रत। फिर वीव्रत में आ, ए ओ अब इसकी डेफिनेशन देखिए सनव्रत उच्चारण में मुख व्रत के समान बंद सा बंद रहता है सबसे कम खुलता है आप खुद बोलिए ई उ, उ, री तो जहाँ पर बंद सा रहे या सबसे कम खुले वो संवृत स्वर अर्ध संवृत स्वर ए और ओ उच्चारण में मुख संवृत्त स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है इसकी तुलना में आधा बंद सा ए ओ ठीक है और इसमें तो सबसे पूर्ण खुला रहता है उच्चारण में मुख पूर्ण पूर्ण या पूरा खुला हुआ रहता है और अर्ध विवृत में उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में इसकी तुलना में आधा मतलब इतना पूरा खुला खुला हुआ नहीं रहता और अर्ध संवृत की तुलना में ज्यादा मतलब इसकी तुलना में इसकी तुलना में तो थोड़ा ज्यादा खुला रहता है और इससे थोड़ा कम खुला हुआ रहता है आया समझ में वापस मैं समझा रही हूँ विवृत में क्या होता है कि जो विवृत है इसमें तो मुख पूरा खुला हुआ रहता है इसकी अपेक्षा थोड़ा कम खुला हुआ रहता है ठीक है और इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुला हुआ इतना बंद नहीं जितना की अर्धसमृत है देखो उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्धसमृत स्वरों की तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है ठीक है आगे समझ में आपको और लास्ट अब है नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से निरनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर निरुना स्वर में उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है निर मतलब नहीं नासिका जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है वो कौन से होते हैं निरनुनासिक जिसमें सिर्फ मुख से उच्चारित होते हैं जो भी स्वर है वो मुख से उच्चारित होते हैं उनमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है ठीक है नाक से नाक के आवाज से हमारे कोई स्वर नहीं निकलते आसानी से निर्बाध्य रूप से स्वतंत्र रूप से स्वर बोल दिए जाते हैं मुख से ठीक है तो निर्नुनासिक स्वर के अंतर्गत वो आते हैं अनुनासिक स्वर उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है मुख का प्रयोग तो होता ही होता है साथ में नासिका का भी अ आ, ई आ, जिनके ऊपर भी इस प्रकार का आ जाए और चंद्र बिंदु आए ये दोनों चिन्ह ध्यान रखना या अनुस्वार इस प्रकार का आए तो वो क्या होता है अनुस्वार आ जाए चंद्र बिंदु आ जाए तो ये दोनों क्या नासिका के आधार पर ऐसे शब्द अधिकतर हिंदी भाषा में प्रयोग आते हैं जैसे हिंदी के वर्ड लिखते हैं ना अपन डॉक्टर तो इस प्रकार का जो इस प्रकार के आ जाए उसमें क्या होता है मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है तो यह कौन से कहलाते हैं अनुनासिक स्वर ठीक है धन्यवाद आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कल हम व्यंजन पढ़ेंगे जो इस वर्ण विचार का थर्ड टॉपिक होगा आपको जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आपको कुछ क्यूरीज है पूछने की कुछ जिज्ञासा है वर्ण विचार से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर पाए और आपको केस टॉपिक कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये भी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं